हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और एक छोटा सा पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और पैटर्न को जरा एक बार देख लेते हैं। यहां से चलूंगा पाइथन की आईडी ओपन करूंगा, तो ये लिखा पाइथन और यहां पर पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है वो ओपन हो जाती है। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाइथन की आईडी ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है, न्यू फाइल ले लेना है क्योंकि हम नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक रोज नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ इंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा और यहाँ पे दे देता हूँ एंटर द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज, आर ओ डब्ल्यू एस, ठीक है, कतारों की संख्या बताइए कितनी आपको रोज चाहिए इसमें, ठीक है। एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर करते हैं तो फिर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या करता है, एक माइनस करके आपको दे देता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे कॉलन लगा लेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर इस बार मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जे नाम से, लिखा फॉर जे इन रेंज, आर ए एन जी ई, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा आई प्लस वन, मतलब कि जितनी रोज है उसमें से एक जो आई में वैल्यू है उसमें एक जोड़ते जाइए, आई प्लस वन, ठीक है। इस तरीके से ये कर दिया है और अब यहाँ पर कॉलन लगाने की जरूरत है, तो ये कॉलन लगा दिया हमने। कॉलन लगाने के बाद फिर एंटर करेंगे और नीचे आएंगे और इस बार क्या करना है आपको, प्रिंट फंक्शन यूज करना है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। हमें क्या करना है, हमें वन का ध्यान दीजिएगा, किसका, वन का स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है, वन का हमें पैटर्न प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ये दे दिया हमने और यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगा, डबल कोट्स कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, और एंड करके यहाँ पर लास्ट में ये स्पेस आ जाएगा, लाइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन लिखा जाता है लाइन चेंज करने के लिए, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से F5 करेंगे, एंटर करेंगे इसको सेव करने के लिए, तो ये सेव भी हो जाएगा यहाँ पर किसी भी नाम से, st.py के नाम से इसको सेव करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, अगर मैं 5 करता हूँ तो यहाँ 5 रोज प्रिंट हो जाती है, देख सकते हैं 1 का पैटर्न ये प्रिंट करके हमें दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 1 का पैटर्न नहीं चाहिए, हमें z का पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पे z लिख दीजिएगा, जो लिखेंगे उसी का पैटर्न ये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 6 करता हूं तो ये देखिए 6 लाइन का z का पैटर्न ये बना करके देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे रोज एंटर करना है यूजर के हाथ में, तो जितने नंबर देगा उसके हिसाब से रोज एंटर हो जाएंगी। फिर यहाँ एक आई नाम से वेरिएबल बना लिया है और इन जो ऑपरेटर है और फिर यहाँ रेंज फंक्शन को यूज किया है और इसमें रोज को रखा गया है, ठीक है। यानी कि लूप चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग, लूप चलने के अकॉर्डिंग, जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज, लूप चलेगा, ठीक है। तो लूप चलेगा तो पहले इनिशियल स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए इनिशियल स्टेज में अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो इनिशियल स्टेज में पहला वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 1 होगी और फिर रोज को प्रिंट करवाया जाएगा, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक है, पहली बार में आई की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। फिर दूसरी बार में देखिए ये कह रहा है रो, एक रो है एक दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आई की वैल्यू पहले 1 थी तो यहाँ पे जेड एक बार प्रिंट हुआ, फिर देखिए आई प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो जेड 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और इसी तरीके से लाइन चेंज हो, लाइन भी चेंज होगी, तो यहां देखिए Z को ही प्रिंट करवाना था पहली बार में, तो Z एक बार प्रिंट हुआ, फिर देखिए I की वैल्यू जब 2 हुई, यहां पे देख सकते हैं I की वैल्यू जब 2 हुई तो यहां पे रोज को प्रिंट करवा दिया गया, और कहां प्रिंट करवाया गया, अगले लाइन में प्रिंट करवाया गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।